हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर 1K। सब लोगों ने सब्सक्राइब करके मेरे को इतना तक पहुंचा दिया है 1K तक। सो अभी मेरे को 4000 आवर्स वॉच टाइम चाहिए। सो थैंक यू सो मच इसके लिए। सो मैं लाइव में आने वाला था, कुछ प्रॉब्लम हो के नहीं आ पाया। मैं बाद में आऊँगा लाइव में, तो इसके लिए मैं छोटा सा वीडियो आप लोग को दिखाने वाला हूँ एनिमेशन का बारे में। ये फोटोशॉप का अंदर ही किया है, कितना लोगों को पता भी नहीं होगा फोटोशॉप में भी ये होता है। सो मेरे पास एक मैं फाइल रेडी करके रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। 7 कार का फोटो है, एक ही कार का मतलब डायरेक्शन एक जगह पे है, मतलब कोई राइट है तो लेफ्ट है, कोई फ्रंट है तो कोई बैक है, ऐसा फोटोज है। आप लोग देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। सो देख रहे हैं, मैं ब्लाइंडिंग अनविजिबल कर रहा हूँ। सो आप लोग देख लीजिए, कुछ भी एक बैकग्राउंड ले सकते हो लेने के लिए। ये कार है, ये देख लीजिए, एक 7 टाइप का कार है। आप एक ही लेयर पे डालना है उसको, एक ही लेयर पे डालने के बाद आप लोग को सिर्फ उसमें एक कुछ आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। सिंपल एनिमेशन है, आना चाहिए आप लोग को। आपको एक बार देख लो कि पता चल जाएगा, लेकिन वीडियो को पूरा तक देख लेना। अभी मैं आप लोग को एक फाइल मतलब सॉलिड एडजस्टमेंट कलर ले लेते हैं, एक लेयर लेके कॉपी लेयर सॉलिड एडजस्टमेंट, ठीक है ब्लैक ले लेता हूँ क्योंकि वाइट है इसमें। ठीक है रहने दीजिए, थोड़ा ब्राइट ले लेते हैं, ब्राइट ही ले लिया। आप लोग को कोई भी चाहिए, कौन सा भी कलर चाहिए ले सकते हो। मैं ब्लैक ही ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ब्लैक फोकस जाएगा ना, रेड कलर से वाइट है इस फोकस जाता है। तो मैं उसको ऊपर कर दिया, ऊपर नीचे रखने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग कुछ बैनर या कुछ पोस्टर नहीं बना रहे, सो क्लिपिंग मार्क्स नहीं कर रहे इसके लिए। सो मैं नेक्स्ट वीडियो क्लिपिंग मार्क्स में भी डालूंगा, और एक लिप्स चेंज का भी। आप लोग को टाइम लाइन पर जाना है वीडियो एनिमेशन करने के लिए। विंडो पर जाते हैं हम लोग, विंडो पर जाने के बाद नीचे देखिए टाइम लाइन है, उसको मैं एक बना के रखा था पहले भी। सो आप लोग को सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी मैं एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ एनिमेशन कैसा हुआ है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो आप लोग देख लीजिए एनिमेशन कैसा हुआ है। एक्चुअली ये एनिमेशन बोल रहे हैं जो, ये मेरे पास 7 फ्रेम पर सेकेंड बोलते हैं इसको, सेकेंड बोलते हैं। एक्चुअली एक फ्रेम में कम से कम 30 सेकेंड वो तक का रहता है, उसमें फ्रेम एक सेकेंड में 30 फ्रेम्स रन करता है, मतलब 30 फोटो रन करता है। इसमें एक सेकेंड में 7 फोटो रन कर रहा है। सो इसमें थोड़ा सा कुछ मतलब टाइम थोड़ा सा वो हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इसको हम लोग इसमें टाइम लाइन पर जाके इसको थोड़ा कम कर रहे हैं। देख लीजिए, फर्स्ट लेयर को कम कर रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड लेयर को भी थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम करना है हम लोग को। लगभग 2 सेकेंड तक का, एक कार को 2 या 3 सेकेंड का देना है। सो सब लोग को ऐसा ही करने वाला हूँ, सब कार लेयर को। आप लोग ऐसा करके कार्टून भी बना सकते हो, खुद का स्केच बनाने के बाद एक एनिमेशन भी बना सकते हो। ज़्यादातर एनिमेशन सिंपल एनिमेशन, आप कुछ भी इतना हेवी कुछ चाहिए तो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन ये फोटोशॉप में भी एक इजी वे है। देख लीजिए आप, इसमें सिर्फ देख लीजिए कितना, 45 सेकेंड्स का बनाने वाला था मैं, इसमें थोड़ा सा इसमें 15 सेकेंड का बनाने वाला हूँ अभी। एक्चुअली जो एनिमेशन रहता है, शॉर्ट एनिमेशन रहता है, उसमें टाइम्स का बहुत वो रहता है। GIF बोलता है इसको, एनिमेटेड बोलते हैं, एनिमेटेड GIF बोलते हैं इसको। थोड़ा सा हम लोग कम कर दिया, अभी देख लेते हैं एक बार इसको थोड़ा सा इसमें क्या। एक्चुअली क्योंकि ये फोटोशॉप है ना, फोटो एडिटिंग के लिए बनाया है एक्चुअली। सो इसमें हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा हेवी हो जाता है, मेरा सिस्टम भी थोड़ा हेवी हो गया था वीडियो बनाने का टाइम पर, बहुत टाइम लगा था मेरे को, 1.5 घंटा लग गया था एक ही एडिटिंग करने के लिए। एक्सपोर्ट कर नहीं पाया मैं इसको, सो आप लोगों को सिर्फ एनिमेशन करके दिखा रहा हूँ एक्सपोर्ट। ठीक, प्राइमरी में जैसा करते हैं वैसा ही है। और एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, अगर एडिटिंग मतलब आप यूट्यूबर हो तो
या फिर कुछ वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा है फिल्मोरा। फिल्मोरा में भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। एमजे सुमन है एक यूट्यूबर, उनने मेरे को बताया था एडिटिंग के बारे में भी डालो, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। सो बाद में मैं फिल्मोरा के बारे में भी डालने वाला हूँ कैसे यूज करना है। अभी इसका एनिमेशन देख लेते हैं कार का। ये जो लेयर है, लेयर रखने का नहीं रखने का कुछ काम नहीं है। कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो इसमें, कुछ टेक्स्ट मतलब मतलब कुछ डिस्काउंट जैसा, ऑफर जैसा लिख सकते हो। फिर भी मतलब लिखने से अच्छा नहीं निकले से, ठीक है आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि लेयर ऑन रखना पड़ेगा। लेयर का व्यू मोड रहता है ना जो ऑन रहना चाहिए, अगर कोई भी लेयर ऑन नहीं है तो आपका एनिमेशन नहीं होगा। इतना आप लोग को ध्यान रखना है, एनिमेशन वीडियो ऑन करने का टाइम पे, टाइमलाइन का वीडियो ऑन करने का टाइम पे लेयर सेलेक्टेड होना चाहिए। सब देख लीजिए, फिर भी इसमें टाइम भी बहुत ले रहा है। मैं बोला था ना आप लोग को हेवी होगा बोल के इसके लिए। सो देख लीजिए एनिमेशन तो हो रहा है, देख लीजिए सिंपल है एनिमेशन। तो अभी फिलहाल के लिए काम चला हो जाता है कुछ ऐड डालने के लिए इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।